अभी हम आए हैं आर्ट गैलरी एंड कश्मीर क्राफ्ट म्यूजियम में, जहां पर एग्जीबिशन चल रहा है कंटेम्पररी आर्ट्स का। आपको बता दें, इस एग्जीबिशन में जो आर्टिस्ट है कंटेम्पररी आर्ट के, उन्होंने इस एग्जीबिशन में पार्ट लिया है। आपको बता दें, कश्मीर के अंदर अगर हम बात करें तो आर्ट की तरफ बहुत कम तवज्जो दिया जाता है। When you are approaching towards any art work, you just don't have to think I have to make a landscape or a human being or human figure, whatever. You just have to think what you are interested in. What do you find more interesting towards yourself? Yes, first you have to be yourself and know yourself, who you are. ठीक, उसके बाद आपको अपने इंटरेस्ट की चीजें पता चलने लगेंगी, and after that you will start making those things, and that becomes the art which is emotionally connected to you. I'm Naushad Gayur. By profession, I'm a teacher at Kashmir University. I'm a practicing painter, and now people call me as art activist. I run one organization known as Gayur Art Foundation. The name Gayur is my father's name, who is the first sculptor of Kashmir, modern sculptor. We call him the father of modern sculpture here. तो उन्हीं के नाम पे मैंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जिसमें जिसका मैं फाउंडर और क्यूरेटर हूँ। तो उसी नाम के अंडर हम बहुत सारे एग्जीबिशन करते आए हैं। सो दिस टाइम, सो दिस इज़ द बिगेस्ट इवेंट एवर व्हाट आई हैव डन अंडर दैट बैनर। आधे हिंदुस्तान को हमने यहाँ लाया, जो आर्टिस्ट डिफरेंट रीजन से है। इस एग्जीबिशन का मेन चीज़ ये है, जो कला भवन, जिसको आप शांति निकेतन कहते हैं, जो वेस्ट बंगाल में एक यूनिवर्सिटी है, जिसकी नींव आज से 100 साल पहले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने रखी थी। उसके 100 साल 2019 में हुए। तो जो उसके अलमनी थे, उन्होंने सोचा कि वी विल सेलिब्रेट दिस इवेंट बाय डूइंग फ्यू थिंग्स। उसमें एक एग्जीबिशन था, तो इसमें इन्होंने क्या किया, जो टेरेन इलाकों से थे, हिमालयन रेंज से थे, लाइक असम है, गुवाहाटी है, नेपाल है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तो वहाँ उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका खात नाम रखा। इट्स अ वेरी गुड प्लेस। There are many artworks done by different painters. My favorite was a calligraphy made by Jamshed Iqbal. It was my favorite. It was a calligraphy, Arabic calligraphy. It had Arabic letters written on it. And there were many paintings. There was a so इन्होंने ये celebration 2019 में करनी थी, जो कि अब covid हो गया, ये हो नहीं पाया। so they finally gave it a thought. इसके दो exhibition हुए, एक कला भवन में ही वहीं पे हुआ, दूसरा इन्होंने गुवाहाटी में किया, and this was the third exhibition here in श्रीनगर। so इसमें ये है कि हमारे भी जम्मू कश्मीर से या हमारे वैली से भी बहुत सारे पास आउट है वहाँ के, जिनको काम आपको इस एग्जीबिशन में देखने को मिलेगा। देखिये, इसको कहते हैं विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट से कंटेम्प्रेरी आर्ट, ये दो चीजें हैं, क्राफ्ट और आर्ट अलग। सो वी कॉल दीज वर्क्स इन द कैटेगरी ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट। जी, इसको थोड़ा सोचना मुश्किल है, बिकॉज आर्ट इज अ लैंग्वेज। जब तक एक लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी इंसान को, तो वो पोइट्री क्या पढ़े या क्या समझे। सो एवरी आर्ट हैज इट्स ओन मीनिंग और लैंग्वेज, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज फर्स्ट। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ पे जो स्कूल्स हैं, वहाँ पे आर्ट पे ज्यादा जोर नहीं दिया जाता, इसीलिए हमारे लोग यहाँ पे अवेयर नहीं।